के बारे में सुना है आपने? उन्होंने न्यूटन के बारे में सुना है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं? तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जो है आपके 3 मोशंस दिए थे इन्होंने न्यूटन ने, तो उनमें से एक जो लॉ है उसका हम यूज करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको गैस करना है कि वो कौन सा लॉ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कौन सा होगा। स्पेसिफिकली 9th एंड 11th क्लास आपके पास न्यूटन के लॉ सिलेबस में भी हैं। इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मे भी आपने ये एक्सपेरिमेंट आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखे होंगे, रील्स वगैरह में देखे होंगे आई एम श्योर। कौन सा ला है ये? न्यूटन्स का कौन सा ला नंबर? न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्सप्लेन करेगा कोई स्टूडेंट कि कैसे, मतलब कि हुआ ये जो बैलून है वो कैसे पहुंचा अपने टारगेट तक? एनीवन? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों? आ जाओ कृष्णा। सर इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लगा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या? एक्शन हवा भरी थी सर, उसने हवा रिपेल एटमॉस्फेयर में हवा फेंकी, वो रिपेल कर रहा था। इज इट राइट?